teacher can't be replaced by online teaching. क्या वो रिप्लेस नहीं हो सकता है? वर्चुअल क्लास से रियल क्लास जो है वो रिप्लेस नहीं हो सकता है. रियल क्लास एक अलग चीज़ है, उसका इम्पोर्टेंस अलग है. वर्चुअल क्लास में क्या आता है, जहाँ समय मिला बस बहने चैटिंग स्टार्ट कर दिया. हाँ, ये इसका अलग एडवांटेज है, वो है, वो आप लोग खूब उठाते हैं, ठीक है, और मैं जानता भी हूँ. इसलिए कभी कभी आप लोग जो है मेंटली एबसेंट हो जाते हैं, पूछते हैं कुछ तो साइलेंट. नंबर 5, गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम. Going to bed when alone at home. इसके 3 मैसेज आ जाएंगे. और भी है क्या? हाँ हाँ, एक और है. 7, फादर स्ट्रेस्ड आउट. On the sofa. Snoring, खराटा मारते हुए. इसलिए यहाँ पर कोमा देना जरूरी है. एक इसमें एक नया चीज जुड़ रहा है, इसलिए कोमा दे देते हैं. अब आइए नंबर 2 में. Glad sense of relief. Father comes into her room to give her a goodbye kiss. बच्चे को तो रिलीफ मिलता है, हाँ आप गुड बाय किस दिए पापा, अभी अब जाने वाले हैं, अच्छा है चले जाए. इसके बाद तो मम्मी को मनाना तो चुटकी का काम है. बच्चे इंतजार में रहते हैं व्हेन माय फादर विल गो आउट. क्या राइट? फिर चैटिंग में बिजी हो गए तुम लोग. हाँ, हमको तो हमेशा डाउट रहता है. Noise of the carriage grows fainter. ये नंबर कितना हो जाएगा? 2. Noise of the carriage means grows fainter. हाँ, vehicle. चाहे वो कैरेज पापा का वो स्कूटर हो, बाइक हो, या 4-व्हीलर्स हो, ठीक है. ना जब तो कैरेज ग्रो, तब बच्चे को ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ आता है. ठीक, और भी है कोई क्या? किताब नहीं है. अब फनी फीलिंग. फनी feeling, perhaps of understanding. ये लाइन आप समझिए तो इस लेसन का मेन लाइन है, जिस्ट है. Because the feeling from fear changes into understanding. Kezia was in the beginning afraid of her father, but now she understands her father. She understands her father's problem, so her fear changes into understanding. She gets mature. ठीक है, ये बहुत important line है.
अब वो ये सोच रही है कि देर इज नो वन हियर टू लुक आफ्टर माई फादर. माई मदर इज एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल, ग्रैंड मदर इज ऑल्सो देयर टू लुक आफ्टर हर, बट हियर नो वन इज प्रेजेंट टू लुक आफ्टर माई फादर. सो नाउ शी अंडरस्टैंड्स हर फादर्स प्रॉब्लम. हर फियर चेंजेज इन टू अंडरस्टैंड. पापा आए थे बच्ची को सुलाने के लिए, कंसोल करने के लिए कि बच्ची डरी हुई है, अब पहले ही खुश हो जाते हैं. नंबर सिक्स, फादर कंफोर्ट्स हर. And falls asleep. You will take the screenshot. Okay. This lesson is completed. Today your homework will be exercise 2. 4 questions are given. Okay. 4 questions are given. Or four questions are given. Now here, no response from your side. Once again chatting. Chatting is started. ये कौन बोल रही, राशि बोल रही है, राशि ना, राशि ना. हाँ वही ना, गड़बड़ गड़बड़ होमवर्क था, होमवर्क तो भेजी थी या सर मेरा पक जाता है ऐसा होमवर्क देख करके. बढ़िया से बोला. तो आपका होमवर्क है, बोलते हैं क्या सुनती है राशि क्या. आपका होमवर्क हो एक्सरसाइज 2 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है. और 3 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज 3 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आंसर्स आर डिमांडेड रिक्वायर्ड इन 2 or 3 पैराग्राफ्स. This type of question is not asked. 3 is not important, but you will do exercise 2. Okay? अब एक exercise आप 1 देख लेंगे. मैं केवल एक आपको example thinking about language का. Thinking about language. बहुत सारे वर्ड ब्रैकेट में दिए हैं, वेरी प्लीज. उसके पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. बहुत सारे वर्ड हैं, प्लीज के लिए ग्लैड है, हैप्पी है, प्लीज्ड है. तो एक केवल हम डील करते हैं, फिर बाद में आपके लिए रहेगा होमवर्क. ये शी वॉज बाय द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग. By the news of her brother's wedding. अब मान लो कि तांजलि के भाई की शादी होगी तो कितना खुश होगी. अभी तो खैर छोटा है, डरेगी तांजलि. गीतांजलि वहाँ सके, हाँ वेरी प्लीज. तो ये सेंस आना चाहिए, वेरी प्लीज आना चाहिए. तो क्या हम कोई दूसरा वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं क्या. बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्लैड है, हैप्पी है, प्लीज्ड है, डिलाइटेड है, थ्रिल्ड है, ओवरजॉयड है. हम क्या उसमें वर्ड दे सकते हैं. क्योंकि भाई की शादी हो रही है तो बहने तो बिल्कुल जो है वो थ्रिल्ड हो जाते हैं कि हमको ये सब मिलेगा. हाँ भाई ग्लैड नहीं होगा, वो थ्रिल्ड हो जाएगा कि हम पापा से इस टाइम जो है हम लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, दिस लेंगे, इस प्रकार ड्रेस लेंगे. ठीक है, सेंस वही आ रहा है. तो इस प्रकार से ये आप कंप्लीट करेंगे. और अब आप आइए वर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग में, एक्सरसाइज 2, पेज नंबर 39. ये बहुत आसान काम है, केवल आपको रिपोर्टिंग वर्ब ढूंढना है, वेरी इजी. एक्सरसाइज 2, अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग. अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ
रिपोर्टी। आपने नरेशन पढ़ा है ना, रिपोर्टिंग वर्क के आपको अंडरलाइन करना। ही सेड ही विल एंजॉय द राइड, ही सेड ही विल एंजॉय द राइड। हाँ, हु विल से व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्क हियर? अरे सेज केवल होगा, तब नरेशन भूल गए, ठीक है, ये आपका रिपोर्टिंग होगा। इस प्रकार से आप ये बना लेंगे कि हम रिपोर्टिंग वर्ग को सर पूछ रहे हैं। अरे फिर चैटिंग में व्यस्त हो गए थे। क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड हियर रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। हाँ, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो वेरी इजी वर्क टू डू। और ये नंबर टू कर सकते हैं आप लोग क्या? एक्सरसाइज टू का ये नंबर वन था, टू हो सकता है क्या? वेयर कंप्लेनिंग शाउटेड रिप्लाइड रिमार्क ऑर्डर, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, आपको होमवर्क अभी दे रहे, हाँ अभी आपको होमवर्क दे रहे हैं हम। एच डब्ल्यू, कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, अभी रफ में लिखेंगे। लेकिन एक बात है कि तंजली का कम वो काम एकदम कंप्लीट रहता है। और रिमार्क देना भूल जाते तो रिमार्क मांग के ले लेती है, प्लीज सर गिव मी रिमार्क। चलो ठीक है, अच्छा है। तो एक्सरसाइज टू जो है क्वेश्चन आंसर वाला, व्हाई वाज कैरी आफ्टर अवर फादर, हो जाएगा, हो जाएगा। वन सेकंड बिजी इन चैटिंग, यस ठीक। एक्सरसाइज थ्री छोड़ देना है और थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का भी आपको वन एंड थ्री बनाना है, नहीं वन ही वर्ड बनाना है एक्सरसाइज थ्री का, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। एक्सरसाइज वन ठीक है, टू थ्री भी बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ड वाला हो जाएगा। ओके ठीक। तो प्रिपेयर फॉर द फोर्टनाइटली टेस्ट टू, ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।